लॉबी में बैठा हूँ शांति निकेतन ये सोनाझुरी का सबसे जो फेमस खाने का रेस्टोरेंट में से एक है मेरे मुझे लगता है दैट इज़ अ रामशैल। एक बहुत ही बिल्कुल सा अलग सा सीन माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पीछे देखो ये होटल है, कोई घर नहीं है। और होटल का सामने का जो डिज़ाइन देखो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा हैंडक्राफ्ट, नीचे पूरा एकदम देखो क्या है यहाँ पर उल्लू का कुछ डिज़ाइन है, चिलाकोटा जिसको बोला जाता है। हाँ एकदम अलग सा माहौल आपको यहाँ पर देखने को बिल्कुल मिलेगा रामशैम। और रामशैम में अगर आप आ रहे हो तो एक चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पर टेस्ट करना है, दैट इज़ यहाँ का जो भेज थाली है। यस मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन दिखाता हूँ जिस होटल का। भाई लुक एट द डिज़ाइन, ऐसा लग रहा है पूरा मिट्टी का। ये एक्चुअली मिट्टी का नहीं बट लुक है एज लाइक मिट्टी का। खिड़की देखो पूरा बाँस से बनाया हुआ खिड़की है। तो दोस्तों ये हम लोग आ चुका है खाना, ये देखो ये है टोटल हम लोग का थाली और ये थाली का सीन। ओके यहाँ पर देखो क्या अच्छा एक नंबर की आज एक बोलो ना एटा की मिक्स वेज। ओके आलू पोस्त डाल सलाद लेबू तो मुंह में गंगा जमुना सरस्वती सब कुछ बह रहा है। और ये सब तो ये लोग तो खाना भी शुरू कर दिया। बेगुनी गर्मा गर्म बेगुनी, माय गुडनेस, थैंक यू दादा। देखो देखो ये है 140 रुपए का वन ऑफ द बेस्ट थाली एवर इन माय लाइफ। और आप जितना चाहो उतना ही आपको मिलेगी, बहुत ही सिस्टम है। क्या कलर है पूरा गर्मा गर्म, ऐसा कोई बासी मासी चीज़ नहीं। अभी अभी ये लोग रेडी करके अभी अभी दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं तो भूख के हमारे तरफ रहा हूँ। ये सब तो देखो भूख कर लोग खाना शुरू कर दिया है। शुरू थोड़ा देख कर खा। ओके कैसा है? बहुत बढ़िया। सब से बढ़िया। तो ठीक है चलिए बढ़िया बढ़िया चीज़। अभी मैं भी थोड़ा सा चेक कर देखता हूँ, उसके बाद आपको रिव्यू दे रहा हूँ क्या है खाने का सीन। ओके तो इस पहले ये सब जो चीज़ इस सब चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके ही है पहले कौन सा चीज़ ही से, और ये जो साँप को अच्छी तरह से मसल कर थोड़ा सा विंग्स ढूंढना और थोड़ा सा नमक तोड़ के गॉडली लाइक फीलिंग दोगे। ओके जस क्या बोलूँ, कोई भाषा नहीं है। यह है शांतिनिकेतन राम श्याम का प्यारा से खाना। Just delicious। ये जो बैंगन का टेस्ट क्या बोला आपको, तो आलू को उसको एक आलू भी लेता हूँ उसको देखता हूँ। वाह माय गॉड, एक एक बाइट में लग रहा है पूरा फील करोगे अंदर से। तो एक्चुअली ऑलमोस्ट एक थाला भात खा चुका हूँ मैं, और ये सेकेंड टाइम मैं ऑलरेडी लिया हूँ। और सब कुछ डबल आलू पोस्त लिया, डबल दाल लिया, डबल बैंगन लिया, डबल ये जो सब्जी है वेज सब्जी क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, सब्जी है ये भी लिया मैंने डबल।
पेट भर चुका है। क्यों मैं इतना भर भर के खा रहा हूँ? क्योंकि हर दिन ये सब खाने का मौका तो सभी होटल में नहीं मिलता। देखो कैसे उंगली चाट चाट के खाता है राणा। पैसा उसे राणा तो 140 रुपये देकर 240 का खाना खा रहा है। वो 140 रुपये देकर 250 का खाना खा रहा है। मैं तो भाई डबल। सागर कैसा लग रहा है? 140 रुपये देके 1000 का खाना खा रहा हूँ। पेट पूरा भर चुका है अभी। ठीक है, अभी हम लोग को तो एक्सप्लोर करके करनी है, निकलना है। रास्ते में खाने का कोई टाइम नहीं मिलेगा। मैं क्या करूँगा, खा पी कर बाइक के पीछे उठ जाऊँगा। उसके बाद पूरा एकदम आँख बंद करके रेस्ट लेते लेते मैं घर पहुँच जाऊँगा। তুমি তো পালন করছি না, তুমি তো বলছো যে ভাত খাবে না, ঘুমাবে। শুভ ইয়া পর ধারা হ্যাঁ কাকু, এটা আমাকে আলু পোস্ট কল করে দিও। একদম লাস্ট মে হম লোক মিলা হ্যাঁ পাপড় আর চাটনি। ये चटनी मैंने दो बोल ऑलरेडी मैं ख़त्म कर चुका हूँ, और भी एक मैं मंगाया था कर गया है। और पापड़ का ये है तीसरा पीस। ओके भाई अमेजिंग। मैं बहुत जगह पे जाकर चटनी खाया, चटनी पापड़ खाया, बट इतना लजीज काजू किशमिश सब कुछ मिलाकर इसका जो फ्लेवर है ना, नेक्स्ट लेवल का है। हर एक बाइट में आई एम फीलिंग द जन्नत। जन्नत में फील किया आपने? फील छोड़ो, जन्नत क्या है जन्नत, ये फीलिंग्स है। इस चटनी पापड़ खा के पूरा खाना ही खा के आई फील द जन्नत। एक दूसरा चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो ग्लासेस, शुभ शुभ एक ग्लास को पकड़ो। ओके ये ग्लासेस देखो, पूरा ये कांसे का ही, पूरा कांसे का ग्लास है। हर जो ये जो हर जो बोल्स है, ये कंटेनर्स है जिसमें खाना परोसा जा रहा है, ये सब कांसे का है। इवन द प्लेट जिसमें थाली में खाना दिया गया है वो भी कांसे का है। एकदम ट्रेडिशनल राजाओं के तरह खाने का एक लुक में यहाँ पर आप पापड़ उठा सकते हो, सिर्फ 140 रुपये में, 140 रुपीस में। ओके भाई, मैं पापड़ को पूरा खत्म कर दिया हूँ। अभी हाथ धोने जाना है। चलिए हाथ धो के आने के बाद बाकी का धोए होने के बाद बाकी का सीन आपको मैं दिखाता हूँ और समझाता हूँ। सो दोस्तों एक्चुअली खाना खाने के बाद आपको पानी पीना चाहिए। अगर पानी पीने का टाइम में ऐसे कांसे का ग्लास में, एक जब राजा महाराजा का टाइम में ऐसे ही, अभी ये तो बहुत ही गुड है फॉर द खांसे में। अगर पानी पियोगे तो इट्स गुड फॉर योर पेट, आपके स्टॉमक के लिए। पर यहाँ पर आकर देखो, ये फीलिंग्स ही समथिंग डिफरेंट है। फीलिंग्स सो गुड। भर पेट खाना, उसके बाद एक किंग स्टाइल या बोलो सब वाटर पानी पीना, सब कुछ मिलाकर समथिंग जस्ट अमेजिंग। तो दोस्तों राम शैम से खाने के बाद, सॉरी हेलमेट खाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं। एक चीज़ यहाँ का, यहाँ पर आने के, थैंक यू फॉर द सच अ ब्यूटीफुल एंड टेस्टी फूड, थैंक यू। तो ये राम श्याम इस होटल का एकदम बाहर का सीन। तो थिंग इज दैट यहाँ पर आकर पता चला दो चीज़। यहाँ पर अगर आप फ्राइडे सैटरडे और संडे ज़्यादा भीड़ रहते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। इसको बोला जाता है बाबुई पाखीर भाषा, बंगला में हिंदी में क्या बोला जाता है पता नहीं। ये सब हैंड क्राफ्ट चीज़ है जिसमें पूरा होटल का डेकोरेशन किया गया है। फ्राइडे सैटरडे और संडे यहाँ पर बहुत ज़्यादा
भीड़ रहता है, इसीलिए आज इसलिए इतना खाली है, देखा बहुत ऐसे लोग। अगर खाने के बाद पान खाना चाहते हो यहाँ पर आकर भैया के पान भी खा सकते हो। अगू पान एकदम कर दो 15 रुपये नहीं चाहिए, जस्ट पूछ रहा था 15 रुपये, थैंक यू। और आप में कोई पान का शौकीन हो यहाँ पर अंकल जी के दुकान से पान भी खा सकते हो।